आज की वीडियो मैथ से संबंधित है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब जितने में माल लाया उतने में बेच दिया, जितना उसका लागत लगा उतने में उसने बेच दिया। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, वह एक किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लाभ कमाता है, ठीक है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो ये बताओ, एक किलोग्राम भार के स्थान पर, किलोग्राम भार, ठीक, एक किलोग्राम भार के स्थान पर वो 900 ग्राम का बाट यूज करता है, इसके स्थान पर ये बाट यूज करता है, ठीक। तो ये बताओ, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ना, और 1000 ग्राम देने के स्थान पर वो 900 ग्राम देता है भाई तौल कर, तो लाभ कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ना, 100 ग्राम का लाभ हुआ, क्लियर। तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे होगा भाई, लाभ का मान क्या हो जाएगा, 100, और कह रहा ना यहाँ पर कि लागत मूल्य पर बेचता है, तो कितना तौल रहा है, 900 ग्राम ना, तो 900 ग्राम हो गया लागत गुड़े 100 प्रतिशत, 00 कट जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 9 है ना, फिर उसके बाद 9 × 9 और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।